नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जारी तल्खियों के बीच में अब आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी कूद गई है। बड़ी बात यह है कि लगातार नीतीश कुमार के नाम पर सियासत एनडीए के अंदर में हो रही है। जदयू वाले नीतीश कुमार को बेस्ट पीएम मटेरियल बता रहे हैं, उनका गुणगान करते थकते नजर नहीं आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी की बात को काटते नजर आते हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब बीजेपी ने तो एक तरीके से आंखें दिखाना शुरू कर दी है। अब वो ये कह रही है कि जदयू वालों को सोच समझ कर बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे, ये कहने की कोशिश बीजेपी वाले कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब तेजस्वी यादव के खासम खास पूर्व विधायक शक्ति यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। शक्ति यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के सामने बिहार के दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे होने चाहिए थे या एनडीए सरकार के सामने, लेकिन यहाँ पर तो पीएम और सीएम कौन होगा इसकी ही लड़ाई चल रही है। शक्ति यादव ने यह तक कहा है कि बिहार के बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी और जदयू इस तरह की खिचड़ी पका करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कहना है शक्ति यादव, सुनवा दो। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी पे हमला करता और नीतीश कुमार जी की पार्टी भाजपा पे हमला कर रही। वास्तविक मुद्दा बिहार में रोजगार का है, बेरोजगारी का है, जहाँ एक साल में 15 लाख नौकरियां और रोजगार खत्म हो गए और 19 लाख का वादा किए थे पर्सनल देने का, प्रत्येक वर्ष देने का। अब सवाल उठता है सीएम कौन बनेगा, पीएम कौन बनेगा, इस जनता को तत्काल मतलब नहीं है। जो मोबाइल सवाल खड़े हैं उसका हल देश की जनता और बिहार की जनता चाह रही है। 40 सीट वाले को आपने मुख्यमंत्री माना, मैं मानता हूं कि भाजपा के अंदर नेता नहीं, तब तो मान लिया आपने मुख्यमंत्री। अगर प्रधानमंत्री मान लीजिएगा इसे कौन इनकार कर सकता है, क्योंकि नेता आपके यहाँ तो है नहीं, आप आयाती नेताओं पर भरोसा करते हैं, बिना रीढ़ के हैं, दूसरे के रीढ़ से आप चलते हैं। तो बिहार की जनता और देश की जनता जानती है कि वास्तविक जो हालात है देश का बद से बदतर है, महंगाई हो, अब बिहार में भ्रष्टाचार है, संस्थागत भ्रष्टाचार है, लूट है, अपराध है, इससे ध्यान भटकाने के लिए सीएम और पीएम की कुर्सी का खेल चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल इन सभी सवालों को लेकर के सड़क पर आम जनता के सामने इनके सारे नकारापन और इनके भ्रष्टाचार का पोल खोलेगी। तो नीतीश कुमार और बीजेपी के यानी कि जदयू और बीजेपी के बीच में इस तरह के बयान पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी शुरुआत की जब उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल का के तौर पर पेश किया। इन बयानों के बाद पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, इस बैठक में भी इस बात पर प्रस्ताव आया। केसी त्यागी ने इसकी जानकारी दी। हालांकि कुछ ही देर बाद नीतीश कुमार ने इन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। उसके बाद एक के बाद एक दोनों तरफ से यानी कि बीजेपी और जदयू की तरफ से उनके नेताओं के बयान सामने आने लगे। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब फालतू बात है, वो इस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे में इसकी सियासत कर कौन रहा है, नीतीश कुमार, उनकी पार्टी उनके इशारे पर इस तरह का बयान दे रही है, या फिर नीतीश कुमार और बीजेपी की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है, जैसा कि आरोप आरजेडी के शक्ति यादव लगा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बिहार के बुनियादी मुद्दों को लेकर के जो है कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन एक ऐसी बात जिस पर फिलहाल कोई उस बात की पर चर्चा करना ज़रूरी नहीं है, खास करके चाहे आप ले लें प्रधानमंत्री के बेस्ट कैंडिडेट के तौर पर, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं तो अभी लंबा वक्त बचा हुआ है, और सीएम फेस को लेकर के तो उसमें भी अच्छा खासा वक्त है, करीब करीब 4 साल का, 3 और 4 साल के इस वक्त के बीच में चुनाव होंगे, और उसके पहले इस तरह के बयानों को हवा दे करके कौन पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है और कौन मुद्दे से भटका रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।